दो चर वाले रैखिक समीकरण का कि वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए वज्र गुणन विधि बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं 120% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का वज्र गुणन विधि द्वारा आसानी से हल कर पाएंगे, चुटकियों में देखकर हल कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है वज्र गुणन विधि में, ठीक है, इसमें क्या होता है दो समीकरण दिया और इसमें एक्स वाई को एक्स वाई का मान निकालना होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान निकालना वज्र गुणन विधि द्वारा। देखिए इसके पहले वाले में प्रतिस्थापन विधि मैंने पढ़ा दिया था, विलोपन विधि भी मैंने पढ़ा दिया था, ये तीसरी विधि और अंतिम विधि आपकी होगी वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए जब दो समीकरण आपको दिया होगा a1x b1y c1 0, आप मान लीजिए दूसरा का समीकरण हमारे पास है a2x b2y c2 0, ये दो समीकरण है, तो वज्र गुणन विधि से हल करने का तरीका ये होता है कि x वाले का मान निकाला तो x वाले को लुप्त करिए और सब जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो x का मान निकालना था, किसका x का मान निकालना, तो x वाले मान को लुप्त कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो बचा गुणांक है y का गुणांक, यहां पर जितना भी गुणांक बचा उसका गुणा करना था, b1 का c2 से b2 का c1 से वही गुणा करके यहां पर लिख दिया। ठीक है ना, वही गुणा करके लिख दिया। ठीक है, x का मान निकालना था तो x के गुणांक को विलुप्त कर दिए, खत्म कर दिए, बचा जो गुणांक है यहाँ b1 का, b1 का गुणा c2 से कर दिया, b2 का गुणा c1 से कर, देखिए b1 गुणा c2 घटावे b2 घटाओ b2 इंटू c1। ठीक है ना, यानी x का गुणांक ने x का मान निकालना था तो x वाले को छोड़ के x वाले का मान लुप्त कर दिए, जो बचा मान यहाँ देखिए y का गुणांक b1 और यहाँ y का गुणांक b2, यहाँ अचर c1 c2 है, तो ऊपर का नीचे गुणा करेंगे, b1 का c2 से गुणा करेंगे तो b1 इंटू c2 और फिर घटाओ देना अगला गुणा करिए, b2 का गुणा c1 से कर देता b2 into c1। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए y का मान निकालता है, y के मान को लुप्त करना है, जिसका मान निकाला उसके मान को लुप्त करना है, तो y के मान को लुप्त कर देंगे, जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे, तो y के मान निकालता है, y के मान लुप्त कर दीजिए, तो y का मान लुप्त करने का मतलब क्या होता है, देखिए y का मान इसको खत्म करते हैं, y का मान, ठीक है, तो y का मान खत्म कर रहा है, तो इधर से गुणा करना है c1 का a2 से और c2 का a1 से, देखिए c1 का a2 घटाओ c2 का a2 से गुणा कर दिए, अभी क्या कर रहे थे, x का मान लुप्त कर रहे थे तो ऐसे गुणा कर रहे थे b1 का c2 से b2 का c1 से। ठीक है, लेकिन अगर y का मान लुप्त करते हैं तो c1 का a2 से c2 का a1 से गुणा करना, उनको घटा देना। ठीक है, और वही अगर अचर का मान निकालते हैं तो अचर के लिए 1 बैठाते हैं, अचर मान को लुप्त करिए, क्रॉस मल्टीपल करिए, A1 का B2 से A2 का B1 से, उनको घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो ये होता है जिसका मान निकाला उस मान को लुप्त करिए और उसको उसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलो, उसी एग्जांपल को मैं उठाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है 2x प्लस वाई, देखो बराबर दिया था, हम बराबर के बाद जीरो करना है, ठीक है, तब जाकर आसानी से हल कर पाएंगे। तो प्लस 5 को इधर ला देंगे तो -5 है, अब बराबर हो जाएगा 0। इसका भी वही करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2y, ये प्लस 8 है, इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, अब बराबर हो गया 0, दो समीकरण बन गया। तो यहाँ पर अब x का मान हमें निकालना, किसका मान निकालना, x का, तो बता दिए थे x का मान निकालना तो x वाले मान को लुप्त करना पड़ेगा। ठीक है, x का निकालना तो x को खत्म करना पड़ेगा, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा, तो x का खत्म कर देंगे तो y का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा किससे करेंगे, -8 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस था। ठीक है, तो यहाँ y का गुणांक 1 है तो 1 का गुणा कर देंगे -8 से, यहाँ पर लिख देते हैं 1 और गुणा -8, फिर घटाओ का चिन्ह में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक लुप्त कर दे तो 1 का गुणा -8 से, फिर यहाँ y का गुणांक 2 है, 2 का गुणा करेंगे -5 से, तो लिख देंगे 2 और गुणा -5, तो x का मान निकल गया। अब निकालने आएंगे y का मान, किसका मान निकालेंगे, y का मान, तो y का मान निकालने के लिए y का मान लुप्त करिए, जो बचेगा गुना करिए, तो यहाँ अचर से शुरू करते हैं, -5 है, -5 का गुना कर देंगे 3 से, अब -8 का गुना कर देंगे 2 से, जो बचेगा उसी का गुना करना है, तो -5 का गुना, -5 का गुना कर देंगे 3 से और घटावे -8 का गुना कर देंगे 2 से, तो -8 और घटावे कितना हो गया 2, फिर बराबर देना है अचर के लिए, वैल्यू उठाना आपको। ठीक, अचर के लिए, तो अचर के लिए उठाएंगे तो अचर खत्म करना पड़ेगा, अचर खत्म करना पड़ेगा, जो बचेगा उसका गुना करिए, 2 का 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 2 और घटावे 3 का, यहाँ वाई का गुणांक 1 है, 3 गुना कितना हो गया 1 हो गया। देखो इस सूत्र को फॉलो करना है, जिसका मान निकाला उस मान को लुप्त करिए, एक्स का मान निकाला एक्स वाले का गुणांक लुप्त करिए, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल करना है। ठीक है, वाई का मान निकाला वाई के मान को लुप्त करिए, यहाँ पर अचर से गुना करना है, c1 का a2 से c2 का a1 से, अगर अचर का मान निकाला तो अचर के लिए आपको 1 बैठाना पड़ेगा और जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ से इसका क्रिया करते ध्यान दीजिएगा, देखिए x बटा 1 का -8 से गुना करेंगे -8 हो जाएगा, फिर यहां देखिए माइनस इसका भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 5 कितना होगा 10। आगे देखते हैं y बटा -5 का 3 से गुणा करेंगे -15, अब माइनस माइनस है देखो दो जगह माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 दुना हो गया 16। अब बराबर यहां देखते हैं 1 बटा 2 में कितना होगा 4 और घटा 3 एकम 3, क्रिया कर दीजिए बस, x बटा 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, अब बराबर y बटा 16 में से 15 घटेगा 1 हो जाएगा, अब बराबर 1 बटा 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसका आगे क्रिया कर देते हैं, अब देखिए तीनों मान आ गया आपका x बटा 2, y बटा 1 और 1 बटा 1, तो यहां से क्या करना आपको, जब जब करके उठाना है, जब जब करके उठाना है, जब
यानी पहिलका को अंतिम के बराबर उठाना, दूसरा को भी अंतिम के बराबर उठाना। तो पहिलका कितना है, जब x बटा टू आप बराबर उठा लेंगे 1/1, तो क्रॉस मल्टीपल करें ऊपर का नीचे से, x का 1 से गुना करेंगे x, और 2 का 1 से गुना करेंगे 2, x का मान निकल गया 2। उसी प्रकार से दूसरा को भी अंतिम के बराबर करना है, ठीक है। लिखेंगे पुनः जब, पुनः जब, पुनः जब क्या, y बटा, पुनः जब ध्यान दीजिएगा, y बटा 1 बराबर 1/1 है, ठीक है ना। इसलिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y का मान निकल जाएगा 1। कुछ नहीं करना है, जिसका मान निकला उसके मान को लुप्त कर दीजिए, जिसका मान निकला उसके मान को लुप्त करिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल करिए, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। मैंने क्या किया, इस तरीका का अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल अभी नहीं समझ में आई होगी तो आपको एक और एग्जाम्पल देकर मैं देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल किताब से उठाई जाए, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे और ध्यान से इसको समझिएगा ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटका देता हूँ साइड से, दिक्कत आपको कहीं नहीं होना चाहिए, बस मैं यही चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन बराबर जीरो, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा समीकरण माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई उसके बाद दिया है माइनस 15 बराबर जीरो है, ठीक है। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरण को क्या करना, हमें हल करना किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। यहां पर लिख देंगे वज्र गुणन विधि से क्या करना बता दिया था। अगर x का मान निकालना तो x वाले को मान को लुप्त करिए, x का निकालना x के मान को लुप्त करिए, जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल करना है। तो यहां देखिए माइनस तीन का गुना करेंगे माइनस 15 से, माइनस तीन का गुना करेंगे किससे, माइनस 7 से। तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमको माइनस तीन गुना माइनस 15, फिर माइनस होता है बीच में, माइनस तीन का गुना करेंगे फिर माइनस 7 से, माइनस तीन गुना माइनस 7। ये तो चीन का खेल है, देखिएगा जिसका थोड़ा सा माइनस एन एन हुआ कि गया वो। अब वाई का मान निकालना, तो वाई का मान निकालना, तो वाई के गुना को लुप्त करिए, वाई का गुना को क्या करेंगे हटाएंगे, तो माइनस 7 गुना करना पड़ेगा तीन से, ध्यान दीजिए माइनस 7 गुना 3, माइनस 7 गुना 3, फिर घटा देना पड़ेगा माइनस 15 का गुना करना पड़ेगा 1 से। यहां पर लिखेंगे माइनस 15 गुना 1, ये हो गया आपका वाई का मान निकल गया। अचर के मान पाते तो अचर के मान को लुप्त करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहां x का गुणांक 1 है तो 1 का गुना कर देंगे माइनस 3 से, तो 1 गुना माइनस 3 बीच में होता है घटाओ, और फिर 3 का गुणा कर देंगे माइनस 3 से, तो 3 गुना लिख देंगे आपको माइनस 3, ठीक है। देखो बस कुछ नहीं करना, जो तरीका है उसको जो समझ लिया ना वो आसानी से हल कर पाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, आंसर आपका लगले निकलेगा। एक्स बटा देखिए हाई माइनस माइनस प्लस, और 3 का 15 से गुना कर देंगे 45 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, और प्लस का माइनस से गुना करें माइनस, और 17 की हो जाएगा 21। चीन का गुना करना सीखिए लोग, ठीक है। वाई बटा माइनस लिखिए, और 17 की 21 घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 का 1 से गुना कर देंगे 15, अब बराबर आते हैं 1/1 का माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा 9। यहाँ जो आता है वो देखिए एक्स 45 में से 21 घटाइए तो कितना जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है 24 हो जाएगा। बराबर y बटा 15 में से 21 घटाते हैं तो माइनस 6 हो जाएगा, अब बराबर y सॉरी यहां पर चल है 1/9 में से 6, 9 में से 3 घटेगा 6, तो ये मान आ गया आपका गया। तो मैंने बता दिया जब ये तीनों मान आपस में बराबर आएगा तो पहिलका को भी अंतिम के बराबर उठाना, दूसरा को भी अंतिम के बराबर उठाना है। तो लिखेंगे जब जब x/24 अब बराबर 1/6, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना है 24 इधर भागा में इधर ला सकते हैं गुणा में ना, तो या कर देते हैं या एक्स बराबर 1/6 गुना हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर कट जाएगा 6 का 24, इसलिए एक्स का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। वही यहाँ पर भी उठाएंगे पुनः जब क्या उठाएंगे वाई बटा माइनस 6 बराबर उठाएंगे 1/6 के, ठीक है। ये 6 कट गया इसलिए वाई का मान कितना निकल गया माइनस 1, क्योंकि माइनस को इधर ला देंगे तो वाई का मान निकल गया माइनस 1। कुछ नहीं करना है, जिसका मान निकालना है उसके मान को थोड़ा सा क्या करना, एक्स का मान निकाल एक्स का मान को लुप्त करिए, उसके बाद जो बचेगा क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, उसके बाद वाई का मान निकाला वाई का मान को लुप्त करिए, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, अचर निकाला तो अचर को छोड़िए, और सब जो बचा उसको क्या करिए गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। मुझे विश्वास है कि ये विलोपन विधि आपके दिमाग में पूरा का पूरा बैठ गई होगी। इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जोर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।